कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान कर उन्हें नए साल का दोहरा तोहफा दिया है। साथ ही श्री त्रिपाठी को 6 माह का सेवा विस्तार भी प्रदान किया है। वर्तमान अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सुनीत शर्मा 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की उपाधि प्राप्त करने के बाद श्री त्रिपाठी 1983 बैच के भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा IRSEE के अधिकारी के रूप में रेल सेवा में आए। आपकी पहली नियुक्ति उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत इंजीनियर के पद पर हुई। तत्पश्चात आपने उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे एवं पश्चिमी रेलवे में विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के अनेक महत्वपूर्ण पदों के उत्तरदायित्व का निर्वहन बखूबी किया। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसा के संरक्षक के रूप में श्री त्रिपाठी ने खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रियंका गोस्वामी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। पहलवान गौरव बलियान ने रूस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया तथा चंद्र विजय सिंह ने भारतीय कुश्ती टीम के कोच के रूप में ओलंपिक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया। श्री त्रिपाठी को रेल प्रबंधन एवं प्रशासन का गहन अनुभव प्राप्त है। आप रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।